पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को बढ़ना उपरांत मिला भारत रत्न सम्मान। प्रेसिडेंट मुर्मू ने उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव को दिया अवार्ड। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके पोते जयंत चौधरी को पुरस्कार सौंपा। बिहार के पूर्व सीएम परपरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को अवार्ड दिया। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी बेटी नित्या राव को पुरस्कार दिया। लालकृष्ण आडवाणी को कल दिया जाएगा भारत रत्न। आडवाणी के निवास पर राष्ट्रपति देंगे अवार्ड। पीएम गृहमंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। चौधरी चरण सिंह को मिले भारत रत्न सम्मान। ग्रहण करने पर बोले जयंत चौधरी, मेरे पास शब्द नहीं, बहुत अच्छा लगा। जेडीयू के नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। पुराना दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया गया। भारत रत्न सम्मान समारोह पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य, पीएम मोदी जैसे इस जौहरी को ही हीरे की बरत। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव की मांग, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को दिया जाए भारत रत्न। मेरठ में कल प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो रही है रैली की तैयारी। पीएम मोदी ने कल मेरठ के दौरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा, पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग, सभी 8 सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली जब बोर्ड घोटाले में ईडी ने फाइल चार्जशीट की, जगदीश अरोड़ा अनिल अग्रवाल को बनाया गया आरोपी। इस केस में केजरीवाल को संबंध दिया गया था। शराब घोटाले में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप, गहलोत के घर रुकता था विजय नायर। कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ पर आपका सवाल पूछा बीजेपी ने, शरद चंद्र रेड्डी से चंदा क्यों लिया, असल सवाल से ध्यान भटका रही है बीजेपी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप, शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया, इस मामले में बीजेपी का आरोपी बनाई थी। सौरभ भारद्वाज बोले मंगूठा श्रीनिवासलु रेड्डी का बीजेपी के सहयोगी टीडीपी ने दिया टिकट, शराब घोटाले के आरोपी का प्रचार करेंगे मोदी जी। मनोज तिवारी पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा मनोज का दिल्ली का सीएम बनने का नंबर नहीं आने वाला, सीएम केजरीवाल ही रहेंगे। रामलीला मैदान में कल होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा, आप नेता गोपाल रॉय दिलीप पांडे ने जायजा लिया, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में है रैली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची, इंडिया अलायंस की रैली में शामिल होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम, इन राज्यों में पूछने वाला कोई नहीं, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस को आईटी नोटिस पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी, पहले 148 करोड़ फिर 1700 करोड़ का नोटिस कांग्रेस को पंक करना चाह रही है बीजेपी। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर बीजेपी के तरुण चुग का बयान, कांग्रेस ने कानून तोड़ा है और इसकी जांच होनी चाहिए। आईटी की कार्रवाई से भड़के राहुल गांधी के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस का हिसाब किताब ठीक से रखते नहीं है और धमकी दे रहे हैं, ये भाषा ठीक नहीं है। देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सदस्यता ली गई। नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में नितिन गडकरी ने रोड शो किया, नागपुर में बीजेपी कैंडिडेट हैं नितिन गडकरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जीतू पटवारी, बीजेपी को अवसरवादियों के साथ खुश रहने दें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलू ने चलाया जनसंपर्क कार्यक्रम, चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ चाय पी। जगतगुरु दिग्नेश्वर महास्वामी के धारवाड सीट से बीजेपी कैंडिडेट बदलने की मांग पर प्रहलाद जोशी, मैं उनके बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस में शामिल हुई हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी ने कल ही अपने पिता और सांसद के केशव रॉय के साथ छोड़ी थी बीआरएस। चुनाव के बीच उड़ीसा में बीजेडी को एक और बड़ा झटका, केंद्रपाड़ा से सांसद अनुभव मोहंती ने पार्टी छोड़ी। उड़ीसा में कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव बसवाल ने छोड़ी पार्टी, बीजेडी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट वी मुरलीधरन ने भरा पर्चा, तिरुवनंतपुरम में अंटिगल सीट से नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु के सलेम में सीएम स्टालिन ने चलाया प्रचार अभियान, डीएमके कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु के सेलम में एमएनएम अध्यक्ष कमल हसन से मिले सीएम स्टालिन, चुनाव के बीच मुलाकात को लेकर अटकलों पर बाजार कर। सेंट्रल चेन्नई में डीएमके कैंडिडेट दयानिधि मारन ने चलाया प्रचार अभियान, तमिलनाडु के मंत्री पीके शेखर बाबू और चेन्नई की मेयर आर प्रिया ने दयानिधि को जताने की अपील की। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष शिवशंकरप्पा का विवादित बयान, दावणगेरे से बीजेपी उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वरा पर बोले वो केवल रसोई में खाना बनाना जानती है। केराना से सपा कैंडिडेट एका हसन का दावा, बीजेपी का 400 पार के नारे का असर जमीन पर नहीं, 2024 में अलग ही तस्वीर निकलेगी। पप्पू यादव 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे, कांग्रेस सिंबल नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन करेंगे। गया में तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा चमत्कार तो होगा लेकिन तेजस्वी की सोच के विपरीत, एनडीए को मिलेगी 40 में से 40 सीटें। कोलकाता में एनसीसी टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, चुनाव आयोग के आदेश के तहत अवैध पोस्टर हटाने की गई थी टीम। कुलासा हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए एनसीपी नेता नवाब मलिक, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से कराए गए एडमिट।
आकाश मिसाइल का सफल टेस्ट, मिसाइल ने ध्वस्त किया तय टारगेट, भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाई 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान, ईरान के एक जहाज को भी सुरक्षित बचाया, अरब सागर में करीब 12 घंटे चला ऑपरेशन। थार के बोचाला में आज भी एसआई का सर्वेक्षण, 22 मार्च से चल रहा है सर्वेक्षण। बंदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच शुरू, जिला जज, डीएम, एसपी जेलर जेल में मौजूद है। कालीबाग कब्रिस्तान में माफिया मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया गया, पिता सुभानुल्लाह की कब्र के पास दफन किया गया, परिजनों ने आखिरी विदाई दी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में निकाला माफिया मुख्तार का जनाजा, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गाजीपुर में मुख्तार के अंतिम संस्कार में समर्थकों का हंगामा, कब्रिस्तान जाने के लिए तोड़ी बैरिकेडिंग, मची अफरातफरी। हंगामे पर बोली गाजीपुर डीएम आयका अखोरी, हंगामे की कार्रवाई वीडियोग्राफी की गई, नारेबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के टूटे पुल की फोटो पोस्ट की, लिखा ठेके के बदले चुनावी चंदा ले रही बीजेपी, पुल बनने के दौरान ही गिर गए। दिल्ली में कार को जब्त करने वाला 36,000 का काटा गया चालान, ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट के आधार पर लिया एक्शन, पश्चिम बिहार में रिंग रोड पर ट्रैफिक उल्लंघन का मामला। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के काजा इलाके में भी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी, पेड़ पौधे, मकान सब बर्फ से ढके दिखे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, रंगपंचमी के अवसर पर भस्म आरती की गई। भोपाल में रंगपंचमी का अद्भुत नजारा दिखा, एक साथ बड़ी संख्या में रंग खेलते नजर आए लोग। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी, राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इसराइल हमास जंग में अब तक गाजा में 32,623 लोगों की मौत, घायलों की तादाद बढ़कर 75,012 तक पहुंची। गाजा में पिछले 24 घंटे में 71 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि इसराइली हमले में 112 लोग जख्मी हुए। गाजा के देर अलबाला में इसराइली वायुसेना का जोरदार हंगामा, बमबारी में 16 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इसराइली विमानों ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, बमबारी में कई इमारतें तबाह हुई। इसराइली वायुसेना का गाजा में शिफा अस्पताल के पास से इलाके पर स्ट्राइक जारी, हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इसराइली सेना ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, हमास के टनल्स के शाफ्ट और हथियारों के ठिकानों को टारगेट किया गया था। इसराइली सेना का दावा, केवल हमास के ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, नागरिकों, मरीजों और मेडिकल टीम्स को कम से कम नुकसान पहुंचा है। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्री के एयर ड्रॉप में हुई बढ़ोतरी, यूएन कोर्ट ने इसराइल को ज्यादा सप्लाई की इजाजत देने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय एंड एजेंसियों के मुताबिक गाजा की ज्यादातर आबादी खाने के संकट से जूझ रही है, हजारों की तादाद में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल अटैक मामले में जांच कमेटी का दावा, यूक्रेन की तरफ से दिए जा रहे थे हमले के निर्देश, जांच कमेटी के प्रवक्ता ने मुताबिक वॉइस मैसेज के जरिए दिए जा रहे थे निर्देश। रूस का सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन का लगातार हमला जारी, यूक्रेनी सेना ने शुक्रवार को जबरदस्त शेलिंग की। बेलग्रोद में स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यूक्रेनी हमले में 30 अपार्टमेंट को पहुंचा नुकसान, कई मकानों की खिड़कियां टूट गई। अमेरिका के शहर में पार्किंग की जगह को लेकर हुई फायरिंग, 5 लोग जख्मी हुए। पार्किंग में लगे सर्विलांस कैमरे में लोगों पर फायरिंग कर रहा शख्स कैद, गोलाबारी के बाद कार में बैठकर फरार हुआ हमलावर। अमेरिका के बाल्टीमोर में गिरे ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू, क्रेन के मदद से हटाया जा रहा है ब्रिज का मलबा। क्रेन से ब्रिज से टूटे हुए भारी हिस्सों को हटाया जा रहा है, मलबे से लापता 4 मजदूरों का शव भी बरामद हो गया। चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने लॉन्च किया SU7 इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिग्गज कंपनी टेस्ला को चक्कर देने का इरादा। शाओमी के मुताबिक कंपनी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहती है जिसमें स्मार्टफोन, घरेलू उपकरण और कार सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें हफ्ते उछाल दर्ज, ऑल टाइम हाई 642.63 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 14 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज, RBI ने 22 मार्च को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। भारत में लॉन्च हुआ पहला 6000 NAH बैटरी वाला फोन पोवा 6 प्रो, 70 वॉट की होगी चार्जिंग कैपेसिटी। IPL में आज लखनऊ और पंजाब की टक्कर, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होगा मैच, शाम 7:30 बजे से टक्कर होगी। IPL में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत, 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रनों का दिया था टक्कर, जीत का पीछा कर रही कोलकाता की टीम ने 7 विकेट से हारा। कोलकाता की टीम ने 17वें ओवर में जीत लिया मैच, KKR की टीम 3 विकेट खोकर 186 रन बनाकर जीता मैच। RCB और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कोलकाता के खिलाफ जीत का इंतजार, 2016 से कोलकाता का बेंगलोर में विजयी रथ जारी। कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 50 रनों की पारी खेली, सुनील नरेन 47 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 39 रन बनाए। कोलकाता के सलामी बल्लेबाजों ने की तोड़फोड़ बैटिंग, सुनील नरेन और सॉल्ट की जोड़ी ने 6.3 ओवर में 86 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर दिलाई जीत, श्रेयस ने मयंक जाकर की गेंद पर छक्का लगाया।
आरसीबी के गेंदबाज अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज महंगे साबित हुए। यश दयाल, अमन डागर और विजय कुमार को एक एक विकेट मिला। टॉस हारकर बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने नाबाद 83 रनों की पारी खेली। कैमरून ग्रीन 33 और मैक्सवेल ने 28 रन बनाए। कोलकाता के लिए हर्षित राणा और आंद्रे रसेल ने दो दो विकेट झटके। सुनील नरेन को एक विकेट मिला। कार्तिक कोसोल ने रनआउट किया। सुनील नरेन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सुनील ने 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन बनाए। नरेन को एक विकेट भी मिला। विराट कोहली बने छक्के लगाए। क्रिस गेल के 239 और एबी डिविलियर्स के 238 छक्के हैं। आरसीबी के कप्तान फाजू पैसल ने हार का ठिकरा पिच पर फोड़ा। कहा, पिच धोखेबाज निकले। रियान पराग की शानदार बैटिंग देख इरफान पठान ने भविष्यवाणी की। कहा, अगले दो साल में टीम इंडिया में खेलते नजर आएंगे रियान। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में चेन्नई की टीम टॉप पर काबिज। कोलकाता दूसरे नंबर पर पहुंची। मुंबई, लखनऊ और दिल्ली को जीत का इंतजार। पाकिस्तान की टीम 8 साल बाद करेगी आयरलैंड का दौरा। 3 T20 मैचों की खेलेगी सीरीज। शाहीन अफरीदी की कप्तानी पर मंडराया खतरा। बाबर आजम को फिर से मिल सकती है टीम की कमान। बाबर आजम से सफेद बॉल की कप्तानी की पेशकश की गई है। जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेद को हराया। मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे। नहीं रहे तमिल एक्टर डेनियल बालाजी 48 साल की उम्र में चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन। लोगों ने श्रद्धांजलि दी।